देखिए दोस्तों, मैंने दो टिकट बुक किया था 7 तारीख के लिए नई दिल्ली जाने के लिए, और उसमें से एक पैसेंजर वो जाना नहीं चाहता है और मुझे एक टिकट कैंसिल करना है और एक को रहने देना है। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि जब आप टिकट को कैंसिल करेंगे तो आपका कितना पैसा कटेगा और उसमें से कितने पैसे आपको वापस मिलेगा और कितना चार्ज कटेगा। तो इस वीडियो को आप देख कर आपको पता लग जाएगा और आप अपनी टिकट को आसानी से कैंसिल कर सकते हैं इस वीडियो को देख कर। और आपको 4 टिकट है या 5 है या 3 है, और उसमें से कुछ टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं और कुछ को रहने देना चाहते हैं, कुछ लोग यात्रा करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं जाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कुछ टिकट को कैंसिल कर दें, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और कितना पैसे कटेगा आपका और कितना अमाउंट आपके बैंक में जिसके द्वारा आपने बुक किया है उसके द्वारा आपको पैसे मिलेगा। अगर आपने पेटीएम से बुक किया है तो पेटीएम में आएगा पैसे, अगर आपने फ़ोन पे से बुक किया है तो आपके अकाउंट में पैसे आएगा। और कितना चार्ज कटेगा आप इस वीडियो में लाइव प्रूफ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लाल बटन को दबाना है, उसके बाद ये घंटी का जो ऑप्शन है इसको दबाना है, उसके बाद ऑल कर देना है, और इसके बाद यहाँ पर लाइक का ऑप्शन है इसको लाइक कर देना है। सबसे पहले दोस्तों लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर माय बुकिंग दिखाई दे रहा है, इसको ओके करना है। और इसमें आने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद जो भी टिकट आपको कैंसिल करना है उस पर क्या करना है, ओके करना है। तो मेरे को 7 तारीख का जो टिकट है उसको कैंसिल करना है, और मेरा जो वन टिकट है तो उसमें से मेरे को एक टिकट कैंसिल करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस टिकट पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर नाम आ रहा है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो कोने पे आइकन है इसको क्या करना है, इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो है कैंसिल टिकट लिख रहा है, इस पर क्या करना है हमें, ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों नाम आ रहा है, लाल बाबू और ललिते। तो हमें क्या करना है, ललित का जो टिकट है कैंसिल करना है, तो उस पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों टिकट का जो ये रेड रंग का जो कैंसिल लिख रहा है इस पर ओके करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों कुछ उस प्रकार से आएगा और कंफर्म के लिए बोल रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इस पर ओके कर कंफर्म कर देंगे। उसके बाद क्या करेगा, ये थोड़ी देर वेटिंग के लिए बोलेगा। उसके बाद वेटिंग करने के बाद देखिए दोस्तों ये हमारा टिकट कैंसिल हो गया। टिकट कैंसिल होने के बाद देखिए दोस्तों मेरे को बता रहा है कि जो आपका पैसे वापस आने वाला है 1205 रुपया आपके अकाउंट में पैसे आएगा, और मेरा 65 रुपया इसने क्या किया है, टिकट चार्ज जो भी रेलवे का चार्ज है फ़ोनपे पेटीएम जो भी चार्ज होता है उसने क्या कर दिया है, 65 रुपया मेरा टिकट का चार्ज जो है उसने काट लिया है, और बाकी जो है 1205 रुपये मेरे अकाउंट में वापस देगा। जब मैंने टिकट बुक किया है 2 टिकट तो 2563 रुपये और 6 पैसे के लगभग लगा था, और जब मैंने कैंसिल किया 1 टिकट तो मेरे को 1205 रुपये वापस दे रहा है, यानी टोटल मेरे को 65 रुपया मेरा क्या है चार्ज कटा है, और बाकी जो है पैसे वापस मेरे अकाउंट में दे देगा, और ये 3 से 4 दिन में पैसे वापस मेरे अकाउंट में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका वेटिंग में है तो ही 65 रुपये काटेगा, और वो भी दिन के हिसाब से काटेगा। जब आप 3 दिन पहले टिकट कैंसिल करवाते तो ही आपका 65 रुपये काट के बाकी जो पैसे है वो आपको वापस देगा। अगर आपका टिकट बुक हो गया है तो दोस्तों 260 रुपया पर टिकट पे काटता है, वो भी एसी में। अगर एसी वाला नहीं है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप देख लीजिएगा कि कौन सी टिकट आप कैंसिल करेंगे तो आपका पैसे कितने वापस आपके बैंक में आएगा और कितना रेलवे चार्ज काटता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। और आगे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इस टिकट का स्टेटस। देखिए दोस्तों, जब हमने कैंसिल किया था तो यहाँ पर भी 2 और 3 वेटिंग दिखा रहा था, और अभी भी दिखा रहा है कि हमारे 3 क्या है, जो हमने कैंसिल किया था लालती नाम का जो टिकट वो 3 पे अभी वेटिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कोने में जो आइकन दे रहा है इस पर ओके करेंगे, और फर्स्ट नंबर पर जो स्टेटस लिख रहा है इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों हमें क्या दिखाएगा, इसका करेक्ट जो है स्टेटस दिखाएगा, तो हम इस पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों देखिए ये दूसरा नंबर टिकट क्या लिख रहा है, कैंसिल है, और पहला नंबर क्या है, दूसरे नंबर पर वेटिंग है। तो दोस्तों मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, और इस वीडियो को देख कर आप अगर आपके 4 टिकट है और उसमें से 1 या 2 कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख कर
आप अच्छे से अपने टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। तो मुझे आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अब वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल